2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हैं। मेरे साथ खुद सर मौजूद हैं, हम सर से बात करेंगे। सर क्या तैयारियां हैं आखिर कांग्रेस की? देखिए 2024 का ये चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण और देश की दशा और दिशा का निर्णय लेने वाला चुनाव है। कांग्रेस एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को आज जिस दौर से देश गुजर रहा है, एक अनकही आपातकालीन स्थिति हर व्यक्ति महसूस कर रहा है, बेरोजगार जहां पर पूर्ण रूप से हताश बैठा हुआ है, मध्यम वर्ग अपने आप को सबसे ज़्यादा शोषित महसूस कर रहा है, ऐसे अवसर पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए हम संगठन को और मजबूत कर जो भी कमियां हमारे पिछले चुनाव में रह गई हैं उनसे उभर कर और आने वाली इस चुनौती को स्वीकार करते हुए और इसमें इंडिया गठबंधन के तहत सभी पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनकी विजय के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। सर 15 तारीख को कांग्रेस जो है अयोध्या के लिए जा रही है, आप लोग रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, किस तरह कितने लोग इसमें शामिल रहेंगे, क्या पूरा सर आयोजन? देखिए 15 तारीख को अयोध्या दर्शन के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जब भी पूरे जिंदगी भर और मुझे लगता है कि पूरे हमारे जितने साथी हैं हमेशा वहाँ नतमस्तक होते रहे हैं, अपने घरों में अपने मंदिरों में सब जगह नतमस्तक होते हैं। उस दिन क्योंकि संक्रांति का एक विशेष पर्व है और सदैव हम हमेशा जाते रहें जब भी मौका लगा है, तो उसके चलते हुए जो भी इच्छुक जो भी हैं जो हमारे साथ में आना चाहते हैं, इसलिए किसी को कंपल्शन नहीं किया है ना किसी को निर्देश दिया गया है, लेकिन जो लोग भी साथ में आना चाहें उनको हमने आमंत्रित किया कि वो जरूर आएँ साथ में चलें। शीर्ष नेतृत्व में अगर हम बात करें तो क्या कौन कौन जाए, किस किस के पहुंचने की उम्मीद है सर? मैं तो जा रहा हूं, बाकी जैसे मैंने कहा कि ना ही किसी को निर्देशित किया गया है ना किसी को आमंत्रित किया गया है, जो लोग भी साथ में आएगा वो साथ में जाएगा। सर कांग्रेस की जो यात्रा रही उसका जो रिस्पॉन्स लोगों को मिला है उसके लिए क्या? ये यात्रा के लिए उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पूरे यात्रा सहारनपुर से और लखनऊ रात दिन आंधी तूफान बरसात धूप भूख पैरों में छाले चलते हुए किए हैं, इसका एक उद्देश्य था लोगों के बीच में एक जनजागृति पैदा करना। वहाँ के जो किसानों की, वहाँ के जो खेत मजदूरों की, वहाँ के जो हमारे युवकों की, हमारे अत्याचार हो रहे महिलाओं की जो पीड़ा थी उसके प्रति अपनी सांत्वना, उन्हें एक धाड़स बनाना और एक उम्मीद बनाना कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। ये यात्रा कल समापन खत्म नहीं हुई, ये यात्रा और आगे चलकर पूरे प्रदेश के अंदर में पंचायत स्तर तक की यात्रा जा रही है, जो कि 26 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में हर पंचायतों को छूते हुए ये यात्रा मुख्यालय में पहुंचेगी, लोगों में जनजागृति पैदा करेगी और राहुल गांधी जी की जो हमारी मुख्य यात्रा है जो 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में उसका स्वागत करने के लिए वहां पर उपस्थित होंगे। सर बीजेपी जो है ये दावा कर रही है कि जो उन्होंने काम किया है उस काम का जो रिपोर्ट कार्ड है वो घर घर तक पहुंचाने की तैयारी में है, उनको ये वो दावा कर रहे हैं कि जो 80 सीटें हैं लोकसभा की यूपी की वो सभी सीटें जो है अधिकतर जनता जो है उनको जिताने वाली। देखिए उनके स्वप्नों को तो मैं सच है ये नहीं कह सकता, लेकिन ये लोकतंत्र है, सीटें जनता जिताती है और जनता के बीच में हम जा रहे हैं उनका विश्वास पाने के लिए, नतीजा आपके सामने आने वाले दिनों में बहुत जल्दी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से जो है लगातार जो है तमाम जो आयोजन भी किए जा रहे हैं, कोशिश यही की जा रही है कि कैसे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता के बीच जो है माहौल बनाना है, और यही वजह है कि जो तमाम जो आयोजन है उसकी जो रूपरेखा है वो पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। पार्टी मुख्यालय में लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है वो पहुँच रहे हैं, अपने तमाम जो पार्टी वर्कर्स उनसे भी भेंट कर रहे हैं, और साफ तौर पर कहना है कि भले ही बीजेपी जो है दावे कर रही है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो 80 सीटें हैं वो जनता जो है उनकी झोली में डालने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये कहना है कि जनता जो है खुद निर्णय लेगी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस लगातार जनता के बीच जा रही है काम कर रही है तो उसका जो रिस्पांस है वो कांग्रेस को भी बेहतर मिलने वाला है। कैमरा पर्सन सौरभ साथ अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।